अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? बहुत दिन के बाद आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इस तरह से, है ना। एक्चुअली ना आज भी मैं परेशान हूँ, यही सुनना चाहते थे ना आप लोग कि नाजिया आ रही नहीं, परेशान हूँ बोल रही नहीं, मुझे गर्म हो रहा बोल रही नहीं, खाली हम लोगों को दूसरे दूसरे ब्लॉग दिखा रही है, घुमा रही है, बाहर जा रही है, अपनी परेशानी नहीं सुना रही है। तो सुन लो आज परेशानी। बहुत लोग कमेंट करके बोल रहे थे नाजिया बाजू डेली रूटीन शेयर करो, डेली रूटीन शेयर करो। तो ठीक है, वो तो शेयर करेंगे, लेकिन मैं जब हंसती रहती हूँ, खेलती रहती हूँ, चुलबुलाहट में रहती हूँ, तब आप लोग बोलते हो डेली व्लॉग बताओ। अब डेली में जब आ जाती हूँ तो डेली रूटीन में साथ ही साथ परेशानियाँ भी आ जाती है, जो इंक्लूड हो जाती है व्लॉग के अंदर, बताना ज़रूरी हो जाता है कि मैं क्यों परेशान हूँ। तो आज की परेशानी की वजह कुछ इस तरह है कि मेरी पेमेंट ही नहीं आई है। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं, पेमेंट नहीं आई, वरना ना आ जाती है हम लोग की पेमेंट, ना 25 तारीख तक के पेमेंट आ जाती है, ये बारी को आज 28-29 तारीख है, पेमेंट ही नहीं आई है। एक्चुअली बैंक के पास आके पड़ी है, मुझे मेल भी आ रहे हैं, कुछ तो फीमा डीमा कुछ तो है ना, मतलब देना है जाके बैंक को। बैंक ने दावत दी है कि आके आओ, हाजिरी भर के जाओ तो ही आपको पेमेंट मिलेगा। और अभी देखो आज तो नहीं, सैटरडे संडे तो बैंक बंद रहती है, तो डायरेक्ट मंडे ही अब होगा जो होगा, तो ऐसा है। तो एक वो परेशानी है, और ऊपर से जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं मीशो से शॉपिंग करती हूँ, तो कुछ प्रोडक्ट है जो मेरे साइज़ जो है ना मुझे थोड़ा सा लूज़ हो रहा था, तो मैंने वो चेंज करवाया है, तो उसमें थोड़ी सी बिजी थी। और उज़मा गई है नानी के इधर पे, वो भी तो मैं थोड़े वक्त के लिए रुक गई थी, क्योंकि वो कचरे वाले जो है ना वो सिटी बजा रहे थे, और आज वो गली में आके सिटी बजा रहे थे, बिकॉज जब बारिश होती है ना तो वो जब रोड पे सिटी बजाते हैं ना तो हम लोगों को सुनाई नहीं देता, तो इसलिए वो आज गली में आके सिटी बजा रहे थे। और जब से मैंने ये कुर्ता लिया है ना, मुझे बहुत पसंद आ गया, मतलब इतना कंफर्टेबल है ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को कि मैं यही वेयर कर रही हूँ, या तो येलो वाला या तो ये वाला। बाकी सारे मैंने जो मंगाए हैं वो कुर्ते वो 3/4 स्लीव्स वाले हैं ना, तो मेरे को ये वाला अच्छा लग रहा है ज़्यादा करके, तो मैं यही पहन रही हूँ, क्योंकि घर के अंदर तो ठीक ही लगता है, बारिश वगैरह में ना बहुत जल्दी सूख जाता है ये कुर्ता। मैंने कुछ मंगाया है, एक्चुअली मैं देखो यहाँ पे नहीं बोलूँगी कि उम्र की वजह से होता है, उसकी वजह से होता है, क्योंकि मुझे वो तकलीफें होती है। तो मेरी अम्मी को ना आजकल है ना ये साइड पे ना काफ़ी पेन है, प्लस वो अभी घुटनों उठनों में भी उनके दर्द होता है, और ये तो घुटनों की समस्या तो मुझे भी है, मुझे भी बहुत पहले से घुटनों में दुखता है, तो मैं तो बचपन से ही कोई ना कोई पेन किलर यूज़ कर ही रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा बचपन में थोड़ा सा ना पैर बाइक में चला गया था, दोनों भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, बुलेट में मेरा पैर मुड़ चुका था, तो इसलिए मेरे पैरों में हमेशा ही दर्द होता है, तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था शायद से, कॉमेंट करके बताना क्या मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया था। तो मेरे दोनों घुटनों में हमेशा से ही पेन रहा है, तो मैंने मंगाया है डॉक्टर ऑर्थो तेल, और ये स्पेशली अम्मी के लिए मैंने मंगाया, स्पेशली अम्मी के लिए मंगाया, क्योंकि अम्मी काफ़ी ज़्यादा परेशान है दर्द से। और डॉक्टर ऑर्थो तेल जो है ये काफ़ी लोग यूज़ कर रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोग ये यूज़ भी कर रहे होंगे, आयुर्वेदा का जाना माना ब्रांड है, जिसमें 8 आयुर्वेदिक तेल को यूज करके 8 तेलों को मिलाकर इसे बनाया गया है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है और किसी भी तरीके का केमिकल नहीं है, ये 100% नेचुरल है। प्लस इसकी ब्रांडिंग एक बार राजस्थान रॉयल ने भी किए थे, और आप लोगों ने टीवी पे देखा भी होगा कि जावेद अख्तर साहब ने इसको एंडोर्स भी किया है, आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा भी होगा। तो ये बहुत असरदार तेल है जहाँ तक मैं जानती हूँ, तो ये अपने जो भी पेन होते हैं, जैसे शोल्डर पेन हो गया, कोनी का पेन हो गया, हमारे घुटनों का पेन हो गया, जो भी जगह पे हमें पेन हो रहा है, हम अगर ये तेल की मालिश करेंगे तो ये रिलीफ पहुँचाता है। अगर ये हमारा नॉर्मल दर्द है, अगर नॉर्मल दर्द तो ये 10-15 दिन में या 2-4 दिन में ही आराम पहुँचा देता है, ठीक है, और तुरंत भी मुझे दर्द में आराम पड़ जाता है, अगर जब मैं ये तेल लगाकर इसको ढक के यानी कि कवर करके, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं मुझे जब भी दर्द होता है घुटनों में तो मैं उसको दुपट्टे से बांध देती हूँ, तो किसी भी पट्टी से ये तेल लगाने के बाद अगर हम बांध देते हैं, वो जगह को गर्मी महसूस होती है तो वहाँ की सूजन कम हो जाती है, और वहाँ की जो भी दर्द ऐटन जिस तरह का भी पेन है वो खत्म नहीं बोल सकती, लेकिन धीरे धीरे वो कम होते होते खत्म हो जाता है। अगर ये पुराना दर्द है आपका, कोई पुराना ही दर्द है, तो ये तेल के साथ आप कैप्सूल भी ले सकते हैं, ये ठीक है, कैप्सूल भी दी गई है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये कैप्सूल अगर आप दिन में 2 बार लेते हो तो आपको पुराने से पुराने दर्द से भी आराम मिल सकता है, अदरवाइज आप ये महीना भर भी लगाओगे तो वो दर्द से आपको निजात मिल सकती है, ठीक है। लेकिन कम छोटा मोटा दर्द है तो आपको 2-4 दिन में 1 हफ्ते में आराम मिल ही जाएगा, लेकिन मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ना सील लगी हुई है, वो सील देख के ही आप लेना,
और ये आपको सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी काफ़ी सारे देशों में ये यूज़ किया जाता है, जैसे कि न्यूजीलैंड, USA, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह ये यूज़ किया जाता है। और आपको ये किसी भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाता है। और इसका जो रेगुलर पैक होता है वो आता है 120 ml का, जिसकी MRP है 295 rupees, और ये बॉटल आपको एक महीना आराम से चल जाती है, ठीक है। आप इसे दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है, ये सिर्फ आपको फायदा ही पहुंचाएगा, क्योंकि मैं ये यूज कर चुकी हूँ इसलिए बता रही हूँ। अदरवाइज आपको कोई भी डाउट है तो आप इसके जो बॉक्स के पीछे ना सारी डिटेल दी गई है कि ये कौन कौन से तेलों से बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए मैं बताती हूँ आप लोगों को इसमें कौन कौन सा तेल मिला के बनाया गया है। चिड़ तेल, पुदीना तेल, कपूर तेल, असली तेल, नहीं अलसी तेल, असली तेल नहीं अलसी तेल, ठीक है। और ज्योतिषमती तेल और कुटवीरा तेल, मतलब सारे आयुर्वेदिक तेल को मिलाकर इन्होंने ये एक तेल बनाया है जो 100% नेचुरल है, 100% आयुर्वेदिक है। और आप यहाँ देख सकते हैं ये कौन कौन से जगह पे हम अप्लाई कर सकते हैं, एडी पे, घुटनों पे, कोहनी पे, शोल्डर पे, कमर के, ये साइड पे अम्मी को तकलीफ है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी में, कहीं भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको जब भी अप्लाई करते हो, जैसे अगर आपने सुबह में अप्लाई किया तो हवा में मत रहिए, और अगर ज्यादा अच्छे से आराम चाहिए तो रात के वक्त लगा के वो जगह को ढक लीजिए, या गुदड़ी ओढ़ लीजिए, या वो जगह को बांध लीजिए, तो आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन जले कटे पे या कोई जख्म पे इसको अप्लाई नहीं करना, वरना जलेगा, काफी जलेगा। और ये जो कैप्सूल की मैं जो बात कर रही थी, तो ये कैप्सूल में आ जाती है अच्छी खासी क्वांटिटी मीन्स के टेबलेट्स, ये एक बॉक्स के अंदर आपको मिलती है 2, 4, 6, 8, 10, 30 कैप्सूल है, यानी कि 15 दिन का डोज। अगर आप सुबह शाम एक एक गोली लेते हो तो आपको पुराने से पुराने दर्द को भी रिलीफ मिलेगा। और फिर भी अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज मैंने मंगाई है अपनी अम्मी के लिए, टेबलेट और ये तेल, ठीक है। और उसके साथ साथ मैंने मंगाया खुद के लिए जो है कि ये बॉडी स्प्रे, सेम हाँ डॉक्टर ऑर्थो का स्प्रे, और ये ट्यूब है, ये पेन रिलीफ ट्यूब। तो ये ट्यूब मंगाई है मैंने, और ये स्प्रे, अगर अम्मी स्प्रे मांगेंगे तो स्प्रे भी उनको दे दूंगी, उनके लिए इजी हो जाएगा पीठ वीट पे लगाना, ठीक है। तो चलिए फिर, ये आपको मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाएगा, आप देख लेना, अगर आप बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो, किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। इसमें 2 साइज अवेलेबल होते हैं, छोटी बोतल भी आती है और रेगुलर साइज, जो मैंने आप लोगों को ये बताया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेकआउट जरूर करना। सो फाइनली स्वागत है आप लोगों का नाज़िया के किचन में। बहुत दिन के बाद नाज़िया किचन में आप लोगों को इस तरह से दिख रही होगी, बिकॉज किचन में से मैंने ब्लॉग बनाए हुए काफी टाइम हो गया है, ठीक है। तो बस जैसे कि आप लोग देखते हो और आप लोगों को पता है, ये अंडा पानी पीने का है जो हम लोग गर्म करने के लिए गैस पे चढ़ाते हैं, जो अभी ठंडा हो चुका है, थोड़े थोड़े बच गए थे तो मैंने दोनों को निकाल लिया यहाँ पे, और बर्तन धोने के लिए डाले हैं जिसको अभी मैं धोऊंगी, और सबसे पहले चढ़ाऊंगी चाय, और चाय पी के बर्तन धोऊंगी, फिर खाना पकाने की तैयारी करूंगी। तब तक उज़्मा आएगी तो आप लोगों से मिलाऊंगी, कोशिश करूंगी मिलाने की, अदरवाइज आप लोग तब तक वो देखिए जो कल मैंने शूट किया था, उज़्मा मुझसे बात कर रही थी, कल की थोड़ी सी मैंने शूटिंग की थी जो मैं अभी ऐड कर देती हूँ, आप लोग वॉच कर लीजिए, है ना। चलिए, सो ये है मोदक जो कि कल आए थे बाबू के दोस्त के घर से, मोदक भिजवाए थे उन्होंने और बहुत ही टेस्टी थे माशाल्लाह। खा उठा ले, ये वाला उठा ले, खा के दिखा, अंदर मीठा भी है, अंदर मीठा भी है, खा ले, ऊपर से फीका है अंदर से मीठा है, ठीक है, खाओ काट के खाओ, अंदर मीठा है, हाँ देखो मीठा है ना अंदर, खाओ खाओ खाओ, यहाँ पे पिचन्ना है, पिचन्ना नहीं है, पिचन्ना है।
कैसा लगा उसमें? बहुत अच्छा लगा। झूठ बोल रही? ना। सच्ची में अच्छा लगा? टेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा है? अरे वाह, थैंक यू बोलना। थैंक यू बोल। दिख जाए क्या? हरिन दिख जाए। पहले सलाम तो करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? क्या हो रहा है? कुछ कैसे है आप सब? कैसे आपका? खाना वाना खाए? खाना वाना खाए। बोल, आज हम लोग ने ब्लॉग अरे अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मुंह पे छींक दी रे उस बात ने तो आनी तो क्या पूछ। आज हम लोग तो ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। बोल। हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम हो रहा है? टाइम हो रहा है दो 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 बजे दो बजे व्लॉग व्लॉग स्टार्ट किए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और अम्मी का हुलिया बहुत गंदा सा लग रहा है। हाँ। मेरा गंदा ना लग जाए चेहरा तो क्या क्या है वो? एल एल कहाँ से बन गया बेटे वो? हाँ अरे कहाँ, वहाँ का एल तो निकल गया। हटो देखो डिंपल के। नहीं बेटा लगता नहीं है, ये एल नहीं है, ये एप्पल है। जाओ जाके बैठ के खाओ। जाओ एप्पल वाला एल है ना? ये एप्पल वाला एल। ठीक। ए डिंपो ये खाइए। कहाँ आई? अच्छा और ये खा ले। और ये आ जाए ना? कौन सा? यहाँ का। तुम हेयरबिन क्यों निकाले? आर भी निकल गया। नहीं आर है वहाँ पे, आर है। ये भी एल है ना? हाँ एल। बराबर मालूम तुमको, के बाजू में ये लाता है। हाँ चलो हट जाओ, चलो कोई नहीं, बैठ जाओ यहाँ पे आराम से बैठ के खेलो। तुमने हेयरबिन क्यों निकाले बाल में से? मेरे को गरम हो रहा था। आई गरम होता तो हेयरबिन पहनते पापा? नहीं। अरे मत, पेटी टूट जाएगी ने। और यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ चाय बनाने। और अभी तक आप लोगों ने जो क्लिप देखी वो कल की थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया सुबह के टाइम पे हम लोगों को वो मोदक खाने को मिल गए। एक्चुअली मेरा मोदक खाने का बहुत मन कर रहा था, मुझे बहुत पसंद है ये गुड़ और खोबरे के मोदक, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने जस्ट बाबू को बोला था, बाबू मेरा खाने का मन कर रहा है, तो इन्होंने अपने दोस्त को बोले। दोस्त भी कौन, जो उनके क्रिकेट टीम के कैप्टन थे पहले विनोद, उनके घर से आया था वो, उनकी वाइफ और बहन ने मिलके बनाया था वो मोदक, बहुत टेस्टी था माशाल्लाह से, और उन्होंने बहुत सारी क्वांटिटी में भेजा था। थैंक यू सो मच फिर से एक बार। और वो मोदक है ना, पता है कल है ना शाम में शेरू और नूर भी आए थे, तो उन लोगों को भी खिलाया, और प्लस फिर मैंने मेरे घर पर भी भेजा अम्मी अब्बा के लिए, क्योंकि है ना उन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी में भेजा था, तो ऐसा है। और यहाँ पर मेरी चाय बन गई है। और ये जो है ना वेफी का डब्बा, ये स्ट्रॉबेरी रोल है, उज़मा का फेवरेट है, तो ये मैं मंगा के रखती हूँ घर के अंदर। और प्लस ये वो कभी भी खाती रहती है और खुश रहती है, मतलब जब भी वो थोड़ी सी भी चिड़चिड़ाया जाए ना तो उसको मैं ये दे देती हूँ तो खा लेती है। और चलिए फिर इसी के साथ ये ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। चाय पी के धोने जा रही हूँ बर्तन, और मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।